किसान और ये बात कर रहे हैं, ये यहाँ ऑटो चलाने क्यों आए? ये किसान के बेटे अपना खेत छोड़ के आए हैं क्योंकि घर से चल आप किसान रुकिए, आप मैं दोनों का सवाल, आप किसान है ना? किसान क्या जब खेत में बीज बो देता उसके बाद बाहर ना वो जाता है कि नहीं जाता है? अब आप तीसरा सवाल, मैं आपसे एक चीज और पूछता हूँ, जाता है किसान का बेटा? जाता है, बीज बो दिया उसके बाद जाता है, और अगर आपने आपने ये व्यवस्थाएं बनाई होती तो शायद वो अपने घर में रहता, बिल्कुल ना जाता। लेकिन आप लोहिया जी वाला सवाल पूछते हैं और आप कहते हैं कि जनतंत्र में जब वो ट्रांसफर हुआ तो उसने वोट बदल दिया, आप ये कह रहे हैं ना? हैं, आप ये कह रहे हैं ना? ईवीएम को आपको सवाल भैया, मैं आपसे सवाल सीधा, मैं आपसे ये सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि मनी ट्रांसफर हुआ इसलिए किसान ने अपना वोट बदल दिया? नहीं, मैंने ये कहा कि मॉरल ग्राउंड पर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है कि नहीं। तो जो लाइन, इसका मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ, जो लाइन में लगा था, जो तय करके आया था, उसने वही दिया वोट। मायावती मुख्यमंत्री थी, हाथियों को ढकने के लिए भाजपा ने आरोप लगाया कि चुनाव में ये हाथियां खड़े होकर वोट मांग रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हाथी देख के वोट दे रहा था या जो चला था अपने घर से वो उसी हिसाब से वोट दे रहा था। गुरुजी, आपका हाथ जो है यहाँ है, यहाँ नब्ज पे नहीं है। आप जब ये सोच रहे हैं कि वो किसान बदल जाता है, आपके आपका जो इल्जाम है, आपका इल्जाम ये भी कह सकता है कि जनतंत्र पे आप सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं संविधान खतरे में और वोटर पे ही आप सवाल उठा रहे हैं, कैसे हैं आप? सरकार पे सवाल है, चुनाव आयोग पे सवाल है। प्रतीक भाई, आपने कहा लाइन पे तो खड़े हुए लोग किसान, हाँ जी, प्रतीक ने जो किया उस पे सवाल था, ठीक, किसान पे सवाल, मैं आ जाऊंगा, आ जाऊंगा हो गया सर। हाँ जी बोलिए। प्रतीक भाई, अभी ये 90% रिचार्ज की बात कर रहे हैं, अरे भैया चार्ज करवाओ, करो तो कांग्रेस के नेताओं को करो, जो पब्लिक के पास जाए, पब्लिक के सुख और दुख में जाए, एसी में बैठ करके चार्ज नहीं होने वाले, उनको पब्लिक चार्ज करेगी। नहीं, देखिए वो जा तो रहे हैं, कहाँ वो जा तो रहे हैं, अब लोगों से मिल भी रहे हैं, जलेबी का डिब्बा लेने जा रहे हैं फैक्ट्री में। अरे भैया जलेबी हलवाई की दुकान पे मिलेगी, घर में मिलेगी, 500 लोग काम करेंगे उसमें, फैक्ट्री में जलेबी वहां नहीं मिलेगी। दूसरी बात सुन लीजिए, राहुल गांधी जी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर बॉल पर छक्का मारना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है ऐसे खिलाड़ी भी बैठे हैं जो गुगली मार देंगे राहुल गांधी जी को बोल कर। राइट, ठीक। नहीं देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो हरियाणा का पूरा चुनाव है, जैसा यहाँ पे कहा गया, ध्यान हम लोगों को रखना पड़ेगा लगातार कि कोई कांग्रेस का प्रदर्शन सीटों में हम लोगों को कम दिख रहा है, वोट शेयर के मामले में कांग्रेस खड़ी है, लास्ट में जो और बढ़ा। मैं आप चुनाव आपके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, मैं पेपर में अच्छा लिखते हैं, विश्लेषण करते हैं, मुझे एक सवाल का सिर्फ एक जवाब दीजिएगा, जिसको जहाँ वोट देना होता है और जब वो लाइन में लगा होता है उस समय वो बदल देता है, एक बदल देगा, दो बदल देगा, क्या 100 के 100, 500 के 500 बदल देंगे? ये मुझे बताइए लाइन पे। नहीं देखिए, ये तो प्रैक्टिकली नहीं होगा, लेकिन हम लोग मानते हैं कि चुनाव आचार संहिता का पालन एक गंभीरता के साथ एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म समूह को मिलना चाहिए। आपके तथ्य से मैं सहमत हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि मोबाइल में मैसेज आए लोग बदल जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग की अपनी जो जिम्मेदारी है हाल के समय में और निष्पक्ष चुनाव आचार संहिता उनको लागू जिस रूप में कराना चाहिए उस रूप में कहीं कहीं कहीं। मैं आया। हाँ जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से हूँ। क्या नाम साहब? संजय तिवारी। क्या काम करते हैं साहब? चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। हुजूर, देखिए जब किसान चला तो वोट उसको कुछ कहीं और देना था, लेकिन जो नोट था उसको इन्फ्लुएंस किया फॉर द टाइम बींग, और ये हमेशा होता है कि जो इनोसेंट ब्रेन होता है उसको फॉर द टाइम बींग मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। पूछिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप, मैनिपुलेशन करते हैं आप? नहीं, हम करते हैं। क्यों नहीं करते हैं आप? नहीं करते हैं। पकड़ा गया, यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं नहीं करता मैनिपुलेशन। किसान क्योंकि बेजुबान है, निरीह है, गरीब है, जैसा मन चाहे वैसा दबा दो, जैसा मन चाहे वैसा हिला दो, जैसा मन चाहे वह चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, आप अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करते हैं? तो किसान क्यों करेगा मैनिपुलेशन? क्योंकि किसान को आप 3000 देगा वो मैनिपुलेट हो जाएगा। मैनिपुलेट नहीं हुआ, वो इन्फ्लुएंस हुआ। अरे है मेरी जान तिवारी,
एक नया वर्ड लेके आए हो, इन्फ्लुएंस। बोले तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, देखो बोले तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, बोले तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। राजा ने कहा कि तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, पूछा क्यों नहीं मिलेंगे, ठंड में तो मैं खड़ा था नदी में। बोले तुम्हें इसलिए नहीं मिलेंगे कि जो मेरे घर के महल की अट्टालिका पे जो दिया जल रहा था तुम उसको देख रहे थे, उसकी गर्मी तुमको मिल रही थी। इसे कहते हैं इन्फ्लुएंस। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इसलिए जो कहेंगे वो सब सही होगा, यह जरूरी नहीं है। कहां से आए हैं हुजूर? कालका जी से। दर्शन किए? कैसे रहे दर्शन आज? क्या मांगा माता से? वो तो सब कुछ है देने वाला। हाँ, सब कुछ देने वाला है। सब कुछ तो देने वाला है, बताने वाला भी नहीं है ना, लेने वाला भी है। हाँ, लेने वाला तो है, ये तो बता देंगे। यहाँ भी खड़े हुए दो तीन लोग बता देंगे लेने वाला कौन है, वो यही बता देंगे जी। हाँ, एक मिनट। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात गठबंधन पर आ जाते हैं, ये अब इस तरह की सास और बहू की जैसी लड़ाई हो जाएगी। अभी सास कहेगी हम गठबंधन नहीं करेंगे, बहू कहेगी हमें गठबंधन करना है। लेकिन मूल बात यह है कि दिल्ली के लोगों को आप क्या देना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों को आपने जो आपने वादे किए थे उनका सवाल क्या? आप ये पूछ रहे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होना है या नहीं होना है? देखिए, गठबंधन समय पे जो निर्णय होगा आपको अवगत कराएंगे, लेकिन मामला ये है कि यहाँ पक्षकारिता करने से कुछ नहीं होता। जितने लोग यहाँ हैं इनका लाखों गुना लोग गाँवों में, और गांव में आदमी जो गांव का, मैं गांव से आता हूं, जो पहले 200 रुपए का बिजली का बिल था वो 1500 हो गया है। वो गरीब आदमी अपना भरपाई नहीं कर पा रहा है। वो सवाल है दिल्ली के लिए, वो अप्रासंगिक भले हो सकता है, लेकिन गांव का जो जवाब सवाल है वो वाजिब है। वो किसान, आपने कहा बेजुबान है, निरीह है, इसीलिए 700 किसान आत्महत्या कर लेते हैं कि मंत्री का बेटा रौंद डालता है थार के नीचे और उसके बेटे को रेड कारपेट बिछाया जाता है सरेंडर कराने के लिए। किसान बेजुबान है, इसी वजह से उसको एमएसपी का काम। अगर तुम्हें अगर सुनने की आदत नहीं है तो मेरी डिबेट तुम्हारे लिए कतई नहीं है। और इतने काबिल डिबेटर नहीं हो गए हो तुम, आदत डालो, पेशेंस। अगर कोई बात कह रहा है तो इतना उतावले क्यों हो जाते हो? बुखार चढ़ने लगता तुम्हें थर्मामीटर की तरह।